बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ एक और बहुत ही अहम थी न्यूज़ अपडेट के साथ, जो कि बीपीएससी एफपीएससी की जो आज की न्यूज़ हैं उसके बारे में हम आपको आगाह करें। सबसे पहले जनाब, बीपीएससी की जो न्यूज़ होती हैं आपको हम डेली बताते हैं, और न्यूज़ के ऊपर पहले बताने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले जनाब हम शेड्यूल की बात करें तो आपके सामने ये रूल नंबर स्लिप अपलोड हो चुकी हैं, और इसके सामने जनाब जो ये देख लें सर्विस सेंट्रल ऑफिशियल फैसलाबाद का असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल रजिस्ट्रार प्रोफिशिएंसी टेस्ट है और जूनियर क्लर्क का प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। तो इसके अलावा बाकी जितने जो कल टेस्ट होने हैं वो सारी अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा जनाब रिटर्न रिज़ल्ट की बात की जाए तो आज सिर्फ एक ही रिज़ल्ट उन्होंने आउट किया, जो कि ट्रांसलेटर का था, जो कि लॉ एंड पार्लियामेंटरी अफेयर डिपार्टमेंट के अंदर। और अगर हम फाइनल रिज़ल्ट की बात करें तो फाइनल के अंदर जनाब असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग, असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर्म या प्रक्योरमेंट, कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर, जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर, जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर मेंटली रिटायर्ड प्रोग्रामर, सब इंजीनियर, तो ये तकरीबन जनाब आज 8 फाइनल रिजल्ट आउट हुए। इसके अलावा जनाब अगर हम इंटरव्यू के शेड्यूल की बात करें तो इंटरव्यू शेड्यूल के अंदर जनाब जो फरवरी की कल आज 18 तारीख थी, तो आज आखिरी दिन था जनाब इसका तहसीलदार के इंटरव्यू का, जो कि मतलब है आपको पता है कि बहुत से काफ़ी सारे अभी रहते हैं, अभी जिनको उन्होंने बुलाया है पहले फेज़ के दौरान ये उनके थे। इसके बाद आपके मुझे आपके अंदर देखें तो वो जनाब सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो 101 सीट आ रही है उसके बारे में जनाब वाला ये बताया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम प्लानर की बात करें तो प्लानर के ऊपर जो है अभी तक उन्होंने अपडेट नहीं किया, प्लानर के ऊपर इंशाल्लाह अपडेशन जो नैब तहसीलदार के पेपर की होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक के अंदर आएगी। तो इसके अंदर जनाब सेम वही पुरानी खबरें चल रही हैं, और इसके अंदर अलबत्ता ये जनाब बल्कि उन्होंने बता दिया, हाँ जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जनाब, कि नैब तहसीलदार का पेपर जो है 27/2 को पेपर होगा, जी हाँ, लेकिन एक उन्होंने तब्दीली की है, और बल्कि तब्दीली भी कोई नहीं है। चलें जी, ये चीज़ कंफर्मेशन हो गई कि पीपीएससी ने जो है अपडेशन कर दी है, 27/2 की जो है ना की है, 27 फरवरी को पेपर होगा, नायब तहसीलदार रावलपिंडी, नायब तहसीलदार लाहौर, नायब तहसीलदार सरगोधा और नायब तहसीलदार मुल्तान का, ठीक हो गया। तो ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं होती जो आपसे शेयर करनी थी, चलो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम पीएसएल के फ़ाइनल की बात करें तो ये ऐसा ना हो कि जनाब वाला दोबारा पेपर जो है कैंसिल हो जाए, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो पीएसएल का जो जनाब आपको पता है कि सीरीज़ है पाकिस्तान सुपर लीग 2022, जो कि ये 7वीं सुपर लीग है, तो इसके अंदर आप शेड्यूल की बात करें तो जनाब फाइनल मैच जो है वो जनाब 7:30 बजे रात के टाइम है, तो इसलिए पीपीएससी ने ये सोचा कि पेपर तो सेकंड टाइम होगा, फर्स्ट टाइम तो मतलब है 10 बजे तो कोई मतलब है वो प्रॉब्लम नहीं होगा ना, तो इसलिए उन्होंने मतलब है 7-4 बजे के पहले पीपीएससी पेपर ले जाए ले लेगी, तो इसलिए उन्होंने ये मतलब है कैंसिल कर दिया, सॉरी कैंसिल किया था पिछला, तो उसको दोबारा शेड्यूल कर दिया। लेकिन जिस दिन आपको पता है कि 13 फरवरी थी, संडे था, उस दिन जनाब 2 मैच थे, मतलब एक पेशावर जलमी का था और दूसरा जनाब पेशावर जलमी कराची किंग और लाहौर कलंदर और कोलकाता ग्लेडिएटर के दरमियान का था, जो कि 13 फरवरी संडे को था, इसलिए सुबह के टाइम भी रश, सेकंड टाइम भी रश, तो सेंटर बंद था, लेकिन जो फाइनल है जनाब रात के 7:30 बजे, तो इसलिए उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसलिए पीपीएससी ने जनाब वाला नायब तहसीलदार का इम्तहान का शेड्यूल का ऐलान कर दिया, जो 13 फरवरी को पेपर होना था वो जनाब अब 27 फरवरी को पेपर होगा। इसके अलावा जनाब एफपीएससी के बॉटम बात कर रहे हैं कि एफपीएससी के अंदर जनाब एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर मुझे रोल नंबर स्लिप नहीं अपलोड हो रही, तो जनाब मैं आपको बता दूं कि आप भी एफपीएससी की वेबसाइट ओपन करेंगे और यहाँ पर ये देखें कि ये आपकी न्यूज़ आ रही है, इसके ऊपर आप यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, ये क्लिक कर लिया आपने, उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे, इसके ऊपर आप नीचे चले जाएंगे और यहाँ पर जनाब आपके सामने जो है
ये देखिएगा, 4 फरवरी की अपडेट है और इसमें लिखा हुआ कि ऑनलाइन एडमिशन फॉर जनरल रिक्रूटमेंट टेस्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसके साथ आप चले जाएंगे और ये वाला जनाब यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर अपना आईडी कार्ड डालेंगे और सबमिट करेंगे, इंटरनेट आ गया। वैसे मैं आपको जनाब इसका जो है लिंक भी शेयर कर देता हूँ, नीचे लिंक मौजूद है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्लिप अपलोड हो जाएगी। बाकी जनाब आपको पता है कि जो नैब इसका पेपर है, रिज़ल्ट है तहसीलदार का, FIA का, वो इनशाला परसों अपलोड हो जाएगा, फिर इनशाला ताला जनाब पता चलेगा किसके क्या मार्क्स आ रहे हैं और आप सब ने अपने मार्क्स जो है मुझे शेयर करने हैं। बाकी जनाब एक बात और मैं बता दूं कि जो ये हमारे पास जो अपकमिंग जॉब आ रही हैं जनाब सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, इसमें सिर्फ मेल स्टूडेंट अप्लाई कर सकेंगे, तो इसका इंशाल्लाह ताला हम जो है बहुत जल्द सोच रहे हैं कि सेमिनार किया जाए ताकि सीट्स जो है वो जल्द अनाउंस हो जाएंगी और हमारा सेमिनार इंशाल्लाह ताला जो है मार्च के पहले वीक में कंडक्ट किया जाएगा ताकि लोगों को इस बारे में अवेयरनेस, लोगों को सिलेबस बताया जाए, उनको अटेंड करना ना करना या ज्वाइन करना वो हर किसी की अपनी मर्जी होगी, बट इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माय बेस्ट के इसको जनाब बहुत जल्द कंडक्ट किया जाए। तो इसके अबाउट जनाब PPSC के अबाउट जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी वो सिर्फ यही थी कि नायब तहसीलदार लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और सरगोधा का पेपर 27 फरवरी को शेड्यूल कर दिया गया है। थैंक यू जनाब, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।